सबसे पहले आप ये बताओ कि आप थे कहाँ। डेली व्लॉगिंग वाला व्लॉग डाल के आप तो बिल्कुल मार्केट से ही शॉर्ट हो गए। तो मैं बताता हूँ, एज अ व्लॉगर हम ये चीज आपको स्टोरी में बताएंगे, वो भी रिदम के साथ। तो स्टार्ट किया जाए। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट माय न्यू मोबाइल फोन। मजा नहीं आ रहा। कट। तो हमारे व्लॉगर्स की जबान में बोला जाए ना, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट माय न्यू कैमरा। आह, अब आया ना मजा। जुमला बोलते हुए थोड़ा सा अच्छा लगता है दिल में। तो अब कहानी की तरफ आते हैं। यार वो क्या बोलते हैं, वीसी नहीं यार। अबे यार वो जो अंटियां रखती है ना, मतलब जो 8-10 मेंबर होते हैं, पैसे जमा करते हैं, कमेटी। हाँ जी हाँ। तो भाई हमारी खुली है कमेटी, ज़्यादा नहीं, बस 30K की खुली है, मतलब 30,000 की। ठीक है, समझ आ गया ना। तो इतनी कम में वैसे आप उछल क्यों रहे, ये बताओ। ये चीज़ तो हम बताना चाह रहे हैं ना आपको कि हमारे जो है ना छोटे छोटे से ख्वाब हैं, तो हम आराम आराम से पूरे करेंगे ना। तो ये कमेटी जो है ना, मैंने अपनी पॉकेट मनी से रखी। सही है जी। वो मशहूर जो व्लॉगर है ना, उनका क्या कहना है, वो जो क्या है वो, हाँ इरफान भाई, इरफान जी ने जो, हाँ तो इरफान भाई बोल लेते हैं ना, इरफान भाई, उनका कॉल है कि भैया जी तुम्हारे माँ बाप जो है ना, तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करने के लिए, तुम्हारे शौक नहीं, शौक अपने खुद पूरे करो मियाँ जी। तो हम शौक पूरे कर रहे हैं ना अपने पैसों से, जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिससे कैमरा से वीडियो बन रही है ना, ये हमारा अपना है। सही है। तो इस मोबाइल से पहले ना मेरे पास था iPhone 6, ये वाला iPhone 6, जिससे मैं वीडियोस बनाता था। मेरी जो भी वीडियोस है ना, जो भी YouTube पे मेरा, मतलब मेरे चैनल पे हैं, वो सारी इस iPhone 6 से बनी हुई हैं। और ये बताता हूँ मज़े की चीज़, अबे क्या खाक मज़े की बात। मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर यहाँ कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर आता हूँ यहाँ पे, दो वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता है मोबाइल में, बोलता है मेरे अंदर से कुछ चीज़ डिलीट करो तो दूसरी चीज़ अंदर आएंगी, वरना नहीं आएंगी। फिर मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या फिर ये वीडियो डिलीट करूँ, या मैं सोशल मीडिया के ऐप डिलीट करूँ। और दूसरी बात यह है कि भाई का वेट किया जाता है सोशल मीडिया में, दिल पे पत्थर रख के मुझे सोशल मीडिया के ऐप डिलीट करने पड़ते, क्योंकि वीडियोज़ बनानी है ना मुझे, आपको इंटरटेन करना है। तो इतनी सारी धमकियाँ मैंने इस मोबाइल की अपने दिल पे पत्थर रख के झेली हैं। ये सब किसके लिए, आपके लिए। ये है 16 GB, इतनी कम यार। हालांकि पता क्या होता है, मैं वीडियोज़ बना रहा होता हूँ ना, तो बार बार जाना पड़ता है कंप्यूटर का, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है, फिर इसकी मेमोरी फुल हो, GB फुल हो जाती है, फिर जाना पड़ता है, मतलब ख्वारी तो मेरी बहुत ही हुई है इससे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सही है ना, मैंने कहा स्टार्ट किया है तो अब भाई मुश्किल तो आएंगी, और रास्ता ही क्या जिसके अंदर मुश्किल ना हो। हाँ, मज़ा नहीं आता ना, फिर सारा स्मूथली चलता रहे तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये मैंने अपना जो है 4GB 64GB, मतलब 4GB रैम और 64GB रोम वाला मोबाइल बेच के मैंने ये आईफोन 6 लिया, क्योंकि इसकी वीडियो क्वालिटी उससे थोड़ी सी बेहतर थी। तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के ना कि भाई चल ठीक है, 1 साल तक हम सिम नहीं चलाएंगे। सही है, हम सिर्फ कैमरा पे फोकस करेंगे। तो मैंने फिर ये मोबाइल लिया था वो बेच कर, मतलब हम अपने शौक पूरे करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। जो बंदा 1 साल तक सिम के बगैर चलाता है मोबाइल, मतलब कि मोबाइल डेटा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वाईफाई तो लगा हुआ है, लेकिन कहीं बाहर जाना तो इस पर हम कुछ यूज़ नहीं कर सकते इस पर। सही है। सिम तो मेरे छोटे मोबाइल में थी, मतलब कॉन्टेक्ट वगैरह होता था छोटे मोबाइल में, जो कि आपको मैंने पहले भी लोगों में दिखा चुका हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो, अगर आप नए हो तो। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने जाके ना 1 साल के बाद मोबाइल किया अपग्रेड। सही है। और हमने ये लिया 20K का। है कौन सा, बताने से पहले ना मैं आपको सिनेमेटिक सीक्वेंस दिखाऊंगा बाहर चल के, वो भी। सही है, हमारा अगर ऐसा स्टूडियो जैसे थोड़ी ना जो आपको दिखाऊंगा और आपको पसंद आता है, तो बाहर चल के आपको सिनेमेटिक सीक्वेंस दिखाऊंगा। फिर आज ही सिनेमेटिक सीक्वेंस लेने के लिए हमने ये वाली जो है ना प्लेस सेलेक्ट की है, क्योंकि ये जगह मुझे मेरे घर के करीब ही और अच्छी भी लगी। लेकिन मसला पता क्या है, हमारा जो है ना मॉडल वो थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन मुझे लग रहा है कर ले देखो, जल्दी हो। ये भाई आज का हमारा मॉडल है, अच्छा करेगा, क्योंकि बांजा किसका है, आखिर मेरा बांजा है ना, अच्छा करेगा।
तो आपने वीडियो तो देख ली होगी, मैंने लिया आईफोन 7 तो 32 GB था। अब पहले अब बताया कहानी क्या है, पहले मैंने लिया था आईफोन, यही आईफोन 7 लिया था 20K का, वो किट में था, बंदे से मैंने लिया था। तो मैंने जब वीडियो बनाई थी ना, जो मतलब पीछे वाली जो भांजे के साथ, उसमें मैंने देखा कि वीडियो ज़्यादा शेक कर रही है, मतलब हिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है। तो फिर मैंने इग्नोर किया, मैंने ना हो सकता है कि मेरे हाथ का मसला हो, कि मेरे हाथ सही से वो फिट नहीं हो पा रहा, बैठ नहीं पा रहा तब भी। फिर मैंने देखा कि यार नहीं यार, मसला अंदर का ही है, कैमरा का अंदर का मसला है, कैमरा हिल रहा है। तो फिर मैंने जाके यूट्यूब सर्च किया, तो उसके साथ होता है या ब्लर हो जाती है, या आईफोन 7 ब्लर हो जाता है, या फिर जो है ना शेकी हो जाता है वीडियो, मतलब हिल रहा होता है, कंटिन्यूसली हिल रहा होता है, फोकस नहीं कर पा रहा होता। तभी फिर मैंने ज़्यादा, मेरी वीडियोस में भी ये था कि वो मैंने चेक किया तो उसके बाद कि एक जगह पे फोकस हो रहा था, दूसरी जगह पे फोकस नहीं हो रहा था, तभी तो मैंने वो भेज दिया और उस बंदे ने मेरे को चूना मारा। खैर जाने देते हैं क्या करते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये वाला मोबाइल लिया था, ये लिया 22,000 में डब्बे के साथ और चार्जर भी साथ था इसके, तो ये भी सही है। इस वजह से मैं जितना चाह रहा था कि मेरा व्लॉग जल्दी आए, उतना ही डिले होता जा रहा था। तो मैंने कहा यार चलो अब व्लॉग अपलोड कर ही लेते हैं, तो ये आपके सामने व्लॉग है। इंशाल्लाह अब जो है ना क्वांटिटी भी अब ज़्यादा फोकस किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी के, सही है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और इंशाल्लाह तर अब वीडियोज़ जो है ना आती रहेंगी, व्लॉग्स आते रहेंगे, क्योंकि कैमरा का मसला हल हो चुका है, और ये व्लॉग जो है ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, यहीं तक ही करता हूँ अब। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।